लेवथान ये किताब है थॉमस हॉब्स की और बहुत इम्पॉर्टेंट जिसके अंदर थॉमस हॉब्स की सारी बेसिक फिलासफीज की इंटरप्रेसन है सो लेविथान इज़ द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉब्स टू पोलिटिकल फिलासफी वेयर ही गेव हीज बेसिक आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड नेचर ऑफ ह्यूमन बींग सो इट कंटेन्स डिफरेंट बुक्स विच कवर डिफरेंट टॉपिक्स बट इट्स कोर ऑब्जेक्टिव is to support the absolute monarchism so in the chapter of the natural condition of mankind as concerning their felicity and misery hobbes argue that nature has made men made so equal that despite their physical appearances and differences they still possess same potential to meet their objectives so this quality and this equality brings conflict among them as many of them struggle for a single objective ultimately leading to war of all against all so basic three objectives of competition are there according to him to hum, agar bahut clear ek line may आ, लेविथान के इस चैप्टर के बारे में बात करना चाहें कि हॉब्स की ये फ़िलासफ़ी है कि इंसान जो हैं वो कुदरती तौर पर एक सी क्वालिटीज़ रखते हैं अब अगर एक सी क्वालिटीज़ रखने वाले लोगों की जद किसी एक ख़ास मकसद के लिए होगी तो इट इज़ नेचुरल कि उनके आपस में इख्त होंगे और वो सब के सब एक दूसरे का मुकाबला चाहेंगे क्योंकि वो सब अपने लिए स्ट्रगल करने पर बिलीव करते हैं सो एन अदर चैप्टर अकॉर्डिंग टू थॉमस ऑब्स फर्स्ट एंड सेकेंड नेचुरल लॉज एंड कॉन्ट्रैक्ट ही एग्जाम दैट दिस स्टेट ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल इज मेन कॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस एंड अनस्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स विच दे ट्राई टू कम एंड सेटल अंडर

उनके दरमिया इख्त भी होंगे इनके दरमियान जो तो जंग होगी वो किसके खिलाफ होगी अगेंस्ट ऑल क्योंकि जब एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है अपने लिए तो उसकी जंग किसके लिए है वो किसी एक के खिलाफ नहीं है बल्कि उसे सब लोग ही अपने रास्ते की रुकावट नज़र आएंगे ही डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट एज द नेचुरल ट्रांसफ़र ऑफ राइट एंड इट मे बी थ्रू एक्सप्रेशन और इंटरफेरेंस when this transferring of power is not mutual, rather is only from one side of parties involved in it for their own strategies, gains, and it is known as gift, free gift or grace. Thomas Hobbes का ये basic फलसफा है कि एक contract हो जाए अगर लोगों के दरमियान तो फिर मामलात जो हैं वो बेहतर तरीके से हो सकते हैं लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट इस बेस पर होगा अगर यह ट्रांसफरिंग ऑफ पावर म्यूचुअल नहीं होगा यानी दोनों पार्टीज़ का ही कोई आपस में मोहदा होगा तो सूरत हाल बेहतर होगी अगर मोहदा यक तरफा होगा तो सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं हो सकती सो अनदर टाइप ऑफ लॉ ऑफ नेचर इज़ टू ओबे एंड कीप द मेड कॉविनट्स विच में अदरवाइज लीड टू द प्रायर कंडीशन ऑफ वॉर और ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल फिर ऐसे ही कानून का क्या स्टेटस होगा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है और लेवथान के अंदर बहुत क्लियर कट डिबेट है कि इंसान अपने मफादत अपने एजेंडा के मुताबिक जिंदगी गुजारता है अगर माशरे के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट या लॉ की बेस पर कोई डिवीजन हो जाए आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की आपस में पावर की तो हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन निकल आए जहाँ पर के सूरत हाल बेहतर तरीके से डील की जा सके लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा और लोग आपस में ना तो कोई माहदा करेंगे ना ही कानून के मुताबिक चलेंगे तो फिर उस माशरे के अंदर जो है वो महज़ इंतशार होगा अफरा तफरी होगी और परेशानी होगी सो हॉब्स इस्टेब्लिश्ड हिज होल आइडिया ऑफ मैंस ब्रिटिश नेचर एंड नीड ऑफ एब्सोल्यूट सान अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट नोन एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन हिज़ बुक नोन एज लेविथान